कुछ होने वाला है, नॉमिनेशन खत्म ना, राशन चाहिए। आप मुझे जवाब दो, मैं दो बोरी गेहूँ आपके घर भिजवा दूंगी। मुझे आपने पूरा नहीं सुना, मैं दो बोरी गेहूँ आपके घर भिजवाऊंगी, उसको पिसवा के आटा मेरे घर पे भिजवा देना, हमें राशन चाहिए बाबा। अच्छा प्रियंका जी, ये जो नॉन मंडली जो है ये हार गई, मंडली रात को हो जाता है, नॉन मंडली जो है वो हार चुके, इसके बारे में क्या कहना है? इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, मतलब देखो जो भी जीता है उसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ। नॉन मंडी वालों से भी मिलने का मौका ही नहीं मिला, सिद्धार्थ से मिलने आ गए तो आई एम श्योर सब खुश होंगे, क्योंकि एमसी सबका चलेगा और सबका। मैंने एक चीज देखी, साजिद सर जो है वो बहुत नाच रहे थे जब आप एविक्ट हुए, आपने देखा? नहीं हमने देखा, मैं तो खुद डांस कर रही थी, वो नाच रहे इसलिए कि हम दोनों बचे थे। हाँ। इसके जाने से ज्यादा मंडली के दो लोग थे वो खुशी। क्या बात है, इसकी दोस्ती साजिद के अभी भी साइड ले रहा है, मैं दोस्ती मानती हूँ यार, अभी भी मंडली मंडली चल रही, शो खत्म हो गया है। हाँ। हाँ। लेकिन मैं इस बात से टोटली अग्री करती हूँ, देखो अगर मैं भी वहाँ नहीं, अगर मैं उधर होती साजिद जी की जगह और मेरे दो दोस्त बचते जहाँ पर सलमान सर हाथ पकड़ने वाले, मैं उतनी खुश होती। अच्छा प्रियंका आपको क्या लगता है, स्टैन ज्यादा डिजर्विंग था कि शिव? सच्ची बताना, दिल से बोलना यार, तुम दिल वाली लड़की। मैं बिल्कुल दिल से बोलूंगी, मैंने स्टेज पे भी सलमान सर को यही बात कही थी कि मुझे पसंद स्टैन है शिव से ज्यादा, मतलब तो आई रियली लाइक दिस बॉय एमसी, बट क्यों ये मुझे ज्यादा डिजर्विंग लगता है, बिकॉज इस बंदे ने फर्स्ट डे से लेकर अपना पूरा 110% दिया है शो में, हर चीज में, चाहे वो टास्क हो चाहे वो कुछ भी हो, मतलब फॉर एवरीथिंग ही वाज देयर, एंड जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था इस चीज में तो मुझे पसंद वो ज्यादा है, बट मैंने उस लड़के को गेम ही समझ में नहीं आया, अभी बोल रहे आप जब गेम जब समझ में आई है तो ट्रॉफी लेके चला गया यार, ये कमाल है। सोचो पुष्पा जी, अगर उससे गेम समझ आ जाती पहले महीने में तो वो क्या क्या ले जाता, पांच दिन समझ में आती तो मजा नहीं आता, ये पूरे कलर्स को खा जाते हैं। मैं सच्ची बता दिया। अच्छा प्रियंका आपको क्या लगता है कि आपकी जो गेम है इसमें कहां कमी रह गई? पुष्पा जी मेरा ना सबसे पहले ना चीज क्या है, मेरी गेम नहीं है। अच्छा, मेरी गेम नहीं है। आप ऐसी ही है? ऐसे ही हूँ, मतलब आप टांग अड़ा देती है किसी नहीं वो तो घर के अंदर थी ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता था, बाहर तो मतलब मैं बहुत ही सॉर्टेड हूँ, मुझे झगड़ा ना मेरा मुझे याद भी है लास्ट टाइम किसी, अगर घर पे हो जाता है किसी ऐसे, इतने झगड़े में कहाँ याद रहेगा अब ना खुशहाल। चलो देखते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, ये इतनी बड़ी कुर्सी है, ये लाइट डिटेक्टर है, जो सच बोलेगा तो ग्रीन लाइट चलेगी, जो झूठ बोलेगा उसको यहाँ पर करंट लगेगा, ठीक है? करंट की तो नहीं, हाँ, इसके अंदर करंट भी है, ये बच्चा भी अभी तक करंट चल रहा है, अभी इधर चलेगा, हम करंट टॉपिक पे शो करते हैं, देखिए बस ये आखिरी करंट है, आप तो सच बोलूंगी, आपको सच बोलना है, सच बोलने में करंट मिलना है, ठीक है? तो सबसे पहले चलो प्रियंका को बिठाते हैं, आइए प्रियंका जी, आइए, जा रही है लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट, नहीं आपका रिएक्शन भी देखेंगे, करंट लेडीज फर्स्ट होता है ना, आप आना चाहते हैं? नहीं तो ठीक है, सबसे पहले प्रियंका को बिठाएं, एक दिन ना उसने वो माही के घर में लेटे लेटे बोल रहा था ऐसे छेड़ते हुए, ट्रॉफी तो मैं ही लेकर जाऊंगा, मैंने देखा मेरे को तो कुछ करता है नहीं और भाई बंदा ले गया। सुबह 6:30 बजे शूट कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, वेरी रोने जो माते चाहिए रेडी रोलिंग 1 2 3 एक्शन प्लीज वेलकम आवर 2 रनर अप प्रियंका चौधरी एंड शिव ठाकरे।
बैठूंगी तो सब सच निकलेगा। हाँ इस गेम पे मैं बाद में आऊंगी। मंडली जीत गई पर हार जीत में लगी रहती ना पुष्पांजलि, इट्स फाइन। पर मैं खुश हूँ मंडली, मन स्टैन के लिए बहुत खुश हूँ। एक बार तर तर करके दिखाएंगे ना। ओ अभी तो चला जा।